गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि यूनिट 2 में हमने एल्गी पढ़ना, शैवाल पढ़ना प्रारंभ किया था। चार शैवाल जो कि वॉल्वॉक्स, ओडोगोनियम, कोलियोकिट और कारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट शैवाल जो कि है वाउचेरिया। देखिए बेटा, वॉल्वॉक्स, ओडोगोनियम, कोलियोकीट और कारा, ये चारों क्लोरोफाइसी वर्ग से, क्लास से बिलोंग करते हैं। जबकि अगर हम वाउचेरिया की बात करें तो ये ज़ेंथोफाइसी वर्ग से बिलोंग करता है। तो ज़ेंथोफाइसी का आप एक ही पादप पढ़ने वाले हैं जो कि है वाउचेरिया। फियोफाइसी इसके बाद आप पढ़ेंगे, जिसके आप दो पादप पढ़ेंगे, एक्टोकार्पस और सार्गेसम। ये सब आपको प्रैक्टिकल में भी करने हैं। और फिर रोडोफाइसी का एक पढ़ेंगे, पॉलीसाइफोनिया। तो इस प्रकार से हम ये सब पढ़ेंगे। वाउचेरिया की हम बात करें तो यदि आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, वाउचेरिया का थैलस जो होगा वो सिनोसाइटिक नज़र आएगा। सिनोसाइटिक मतलब संकेंद्रिक का मतलब इसमें बहुत सारे केंद्रक व्यवस्थित रहते हैं। और ये जो आपको संरचना इसमें नज़र आ रही है, जो ब्राउन कलर की संरचना है, वो है इसकी अंडधानी या ओगोनियम। और जो कि एक ग्रीन कलर की लंबाकार संरचना है, वो है इसका एंथ्रीडियम। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बताया गया है। ये एक एक्चुअल पिक्चर है जिसे आप जान पाएँ, क्योंकि वास्तविकता में भी यह लगभग वैसा ही नज़र आता है जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेटा, मैंने आपको वापस बता रही हूँ कि अगर आप दोनों क्लासिफिकेशन याद नहीं कर सकते हैं तो आप कृपया स्मिथ का क्लासिफिकेशन याद करें, क्योंकि प्रैक्टिकल में या थ्योरी में या आपके सिलेबस में भी इसको ज़ेंथोफाइसी का ही माना गया है। इसका मतलब वो भी स्मिथ के क्लासिफिकेशन को ही सही मान रहे हैं। तो आपको स्मिथ का क्लासिफिकेशन याद करना है, और दोनों कर सकते हैं तो वह बेटर है। दोनों मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप कंपेरिजन कर पाएँ। तो फ्रिश के क्लासिफिकेशन के अनुसार सारी शैवालों को थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया था, जिसमें थैलोफाइटा विभाग में रखा गया था। उपविभाग या सब डिवीज़न है एल्गी। और इसमें जो क्लास रखी गई, जैसे कैरा में हमने पढ़ा था, कैरा में भी यही था कि फ्रिश ने तो सबको क्लोरोफाइसी में डाल दिया, कैरा को भी क्लोरोफाइसी में डाल दिया, और साथ ही वाउचेरिया को भी, ओडोगोनियम, सबको क्लोरोफाइसी में। लेकिन स्मिथ ने कैरा को कैरोफाइसी में अलग किया, उसी प्रकार से इसको भी ज़ेंथोफाइसी में अलग किया। तो यहाँ पे फ्रिश के अनुसार इसका वर्ग है क्लोरोफाइसी, गण है साइफोनेल्स, कुल है वाउचेरियसी, वंश है वाउचेरिया। स्मिथ के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसका विभाग है क्राइसोफाइटा। हमने देखा था स्मिथ ने विभागों में बांटा था, यहाँ पे है क्राइसोफाइटा। और क्लास है ज़ेंथोफाइसी, गण है हिट्रोसाइफोनेल्स, और फैमिली है वाउचेरियसी, और वंश है वाउचेरिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़ेंथोफाइसी हम इसको बोलेंगे। ज़ेंथोफाइसी फैमिली का नाम ही इस पे पड़ा है, ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल एक वर्णक होता है, और इसको हम इसी वजह से पीली हरी शैवाल भी कहते हैं ज़ेंथोफाइसी को, क्योंकि ज़ेंथोफिल के कारण इसका रंग थोड़ा पीला होता है। अकरेंस या आवाज़, अगर हम बात करें वाउचेरिया की, तो जैसे आप जानते हैं कि समस्त शैवाल जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। तो अधिकांश जो वाउचेरिया की जातियाँ हैं वो फ्रेश वाटर में, मतलब स्वच्छ जल में या अलवणीय जल में, अथवा स्थलीय कुछ जातियाँ भी होती है, स्थल में पाई जाती है। सो द जीनस वाउचेरिया, पहली बात वाउचेरिया का नाम किसके द्वारा पड़ा है, J.P. वाउचर, जिसने इसको सबसे पहले ढूंढा था, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है वाउचेरिया। इसकी लगभग 54 स्पीशीज़ है, और जिसमें कि भारत में 9 स्पीशीज़ इसकी मिलती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर टेरेस्ट्रियल, इसकी अधिकांश जो मेंबर है वो स्थलीय हैं। मैंने आपको बताया था स्थलीय शैवाल, जलीय शैवाल, तो ये स्थलीय शैवाल का उदाहरण है वैसे। और फ्रेश वाटर, स्थलीय के जो उदाहरण हैं ज़्यादातर हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस। टेरेस्ट्रिस आपको नाम से लग रहा है टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रिस। देन वाउचेरिया हमाटा, और फ्रेश वाटर में मिलने वाली जो है वो है वाउचेरिया यूसिनेटा, वाउचेरिया यूसिनेटा। देन मेंबर लाइक वाउचेरिया सेसिलिस इज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाउचेरिया सेसिलिस।
द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ग्रो इन विंटर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन एंड थिक लेयर ऑन डैम्प सॉइल। जो अगर हम बात करें स्थलीय जातियों की, तो हम देखते हैं कि शैवाल ऐसा नहीं उगता कि जैसे प्लांट उग जाते हैं या सूखी मिट्टी पर, नहीं, जो कि एक नमी वाली है, दलदली युक्त मिट्टी होती है जिसमें पानी की मात्रा होती है, वहाँ पे उस मिट्टी के ऊपर एक मोटी लेयर के रूप में सर्दियों के मौसम में क्या उगता है, वाउचेरिया उग जाता है। अ फ्यू स्पीशीज़ ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर मतलब खारे पानी में। कुछ इसकी जातियाँ खारे पानी में भी उगती हैं और कुछ इसके महासागर में भी उगती है। महासागर में उगने वाली है वाउचेरिया पाइलोबुलस। अब इसी प्रकार से वाउचेरिया जॉनसाई ग्रोज ऑन स्नो, एक जाति है वाउचेरिया जॉनसाई जो कि कहाँ पे उगती है, जो कि बर्फ में उगती है। तो इसमें से अगर आप ज़्यादा नहीं याद कर पाएँ तो कुछ स्थलीय और जलीय जातियों के नाम आप याद कर सकते हैं आवास में। तो वाउचेरिया का अगर मुख्य आवास बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे नम्रदा, वो नम्रदा में पाया जाता है। ये इसकी संरचना है, ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं वाउचेरिया के अंदर सिनोसाइटिक फिलामेंट, आप देख रहे हो बीच में एक खाली स्थान है और जो कि मार्जिन है या परिधि है इन पर्टिकुलर पाइप के समान संरचनाओं की परिधि पे आपको केंद्रक नज़र आ रहे हैं, क्रोमेटोफोर नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाउचेरिया के अंदर मध्य में एक बहुत बड़ी वेक्यूल होती है जो कि इसके पूरे थैलस में फैली हुई होती है। आप देख रहे हैं सेंट्रल वेक्यूल लिखा हुआ है, पूरी वेक्यूल है जो कि पूरे थैलस में, चाहे उसमें शाखाएँ निकल रही तो शाखाओं तक भी वेक्यूल पहुँच गई है। तो मध्य में तो वेक्यूल है सेंट्रल में, और जो चारों तरफ है, चारों तरफ क्या है, बहुत सारे केंद्रक है और क्रोमेटोफोर्स है। क्रोमेटोफोर्स ऐसे जो क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरो जो हरे नहीं होते उन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं नॉर्मली। और क्रोमेटोफोर्स में क्या पाया जाता है, जो वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ले लीजिए, ग्रंथोफिल ले लीजिए, तो ये सब वर्णक उसमें पाए जाते हैं। तो ये तो, और ये तो संरचना हुई पूरे वाउचेरिया की, बहुत सिंपल है। इसकी जो संरचना अनिश्चित प्रकार की ही होती है, हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप ब्रांचेस कितनी होगी, क्या होगी, इसकी ब्रांचिंग हो सकती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंगल जो ब्रांच है इसका, एक सिंगल जो तंतु बोलेंगे उसकी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मध्य में सेंट्रल वैक्यूल है और चारों तरफ बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स है और बहुत सारे केंद्रक है, और साथ में जो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ पाया जाता है ऑयल के रूप में, वो है सिंपल सी चीज़ें, चार चीज़ें, न्यूक्लियस है, संग्रहित भोज्य पदार्थ, ऑयल ड्रॉप्स और क्लोरोप्लास्ट तो बाहर की तरफ, और मध्य में सेंट्रल वेक्यूल। तो इस प्रकार से होती है इसकी संरचना। नेक्स्ट हम बात करें, कलर डायग्राम हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स भी बताए हुए हैं, जो इसका उगोनियम और एंथ्रीडियम किस प्रकार से पास पास में उगते हैं। तो ये है उगोनियम या अंडधानी, ये है एंथ्रीडियम या पुंधानी, और इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जूस्पोर किस प्रकार से बनते हैं ये आप देख रहे हैं। तो ये है वाउचेरिया की संरचना। यहाँ पे इसकी जो पोर्शन ऑफ फिलामेंट जो बताया हुआ है शोइंग इंटरनल कंपोजिशन सेम वैसा ही है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मध्य में सेंट्रल वेक्यूल। तो अभी आपने जब ओनली डायग्राम देखा तो उससे आप खुद समझ गए कि इसकी संरचना कैसी है। पहले आप बोलेंगे कि ये सिनोसाइटिक है, दूसरा तंतुनुमा दिख रहा है आपको, फिलामेंटस है, तीसरा आप कहेंगे फिलामेंट्स ब्रांच्ड है या शाखित है, ये तो आप संरचना देख ही पा रहे हैं। तो वो जो आप डायग्राम अगर आप बना लेते हैं बेटा तो आपको बहुत सरलता होती है, क्योंकि डायग्राम को देख के ही आप उसके पूरे टेक्स्ट लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए, प्लांट बॉडी ऑफ वाउचेरिया इज फिलामेंटस, जो वाउचेरिया का पादप शरीर है वह तंतुनुमा होता है, हमको पता है। इट इज़ मच ब्रांच्ड, यह शाखित होता है, ये भी हमें पता है। सिनोसाइटिक, संकेंद्रक की, जिसमें बहुत सारे केंद्रक बिना बीच में सेप्टम बने या बिना पट के निर्माण के व्यवस्थित रहते हैं, उसको संकेंद्रक की बोलते हैं। एंड साइफोनस, साइफोन मतलब होता है खोखला, होलो, साइफोनस इसका नाम इसीलिए हम बोलते हैं ना कि साइफोनेस जीनस है। अगर आपने जूलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने साइफन्स पढ़े होंगे, जिसको हम स्पॉन्ज कहते हैं, पोरीफेरा के मेंबर। तो उसी प्रकार से ये भी एक तरीके से वैसा ही है। साइफोनस मतलब अंदर से खाली, अंदर से खाली मतलब अंदर एक वेक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका का मतलब ही है रिक्त स्थान, तो मतलब अंदर से खाली। द सिनोसाइटिक बॉडी कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, जो संकेंद्रक की इसका शरीर होता है उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। सेप्टा मे फॉर्म ड्यूरिंग इंजरी और ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसमें पटों का निर्माण केवल दो परिस्थिति में होता है। पट आप देख रहे हैं कहीं पर भी कोई सेप्टम नहीं है, केंद्रक आपस में बिल्कुल फ्री फॉर्म में, एक समान प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे केंद्रक है,
लेकिन पट का निर्माण दो कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन तो यह है कि यदि सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण हो, कि इसमें लैंगिक जो जननांग है वो बने, और दूसरा ये है कि उसमें कोई इंजरी हो जाए। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, बट द फिलामेंट इज़ नॉर्मली सेप्टेड, एक अपवाद के रूप में एक जाती है वाउचेरिया की, वाउचेरिया स्यूडोहेमेटा, जिसमें कि पटों का निर्माण होता है। इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ द प्लांट बॉडी रिमेन अटैच्ड टू द सॉइल सरफेस विद मच ब्रांच्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब हम सोचेंगे कि जल में तो ठीक है, लेकिन स्थल में यदि वो मृदा के अंदर उनको स्थिर रहना है तो कुछ तो उनको ऐसा पार्ट चाहिएगा शरीर का, थैलस का। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक स्पेशल राइजोइड पाए जाते हैं जिसके द्वारा वह मृदा की सरफेस में अटैच रहते हैं। यह एक शाखित संरचना होती है जिसको हम हेप्टेरॉन भी कहते हैं। तो हेप्टेरॉन वर्ड एक नया वर्ड है जो वाउचेरिया में काम में लिया गया है पहली बार, जितनी भी हमने एल्गी पढ़ी है। तो आप ध्यान रखेंगे हेप्टेरॉन क्या है, वाउचेरिया का स्थिरांग हो गया एक तरीके से, जिसके द्वारा यह अटैच रहता है भूमि के अंदर, तो इसे हम कहेंगे हेप्टेरॉन। नेक्स्ट, इन फ्लोटिंग मेंबर्स, ऐसे जो जातियाँ होती है जो कि फ्लोटिंग मतलब प्लवी जातियाँ होती है, राइजॉइड्स एब्सेंट होते हैं, उसमें हेप्टेरॉन की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए बेटा, जिसकी आवश्यकता होती है शरीर में वही अंग मिलेगा, क्योंकि उनको अब भूमि में स्थिर नहीं होना है तो उन्हें उसमें या तो लाइजर्स पाए नहीं जाते, और यदि पाए जाते हैं तो वे बहुत अंडर डेवलप्ड मतलब अविकसित प्रकार के होते हैं। द फिलामेंटस बॉडी हैज़ अ थिन आउटर वॉल, अगर हम इनके एक फिलामेंट को लें तो उसमें एक पतली बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, विच इज़ लेस इलास्टिक, जो कि बहुत कम इलास्टिक होती है, संकुचनशील ज़्यादा नहीं होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, इसमें दो पदार्थों से मिलकर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन। बाहर की तरफ पैक्टिन की होती है, अंदर की तरफ सेलुलोज की होती है। तो ये बात हो गई सेल वॉल। अगर उसके मध्य में, पूरे मध्य में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है जो कि पूरे पादप में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट एट द एपिकल रीजन, केवल शीर्ष भाग को छोड़ के समस्त भाग में रिक्तिका पाई जाती है। इन प्रोटोप्लास्ट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द फिलामेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड वैक्यूल, अगर हम इसके प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो वह रिक्तिका और कोशिका भित्ति के मध्य में पूरे स्थान पर भरा होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस मिलेंगे, क्रोमेटोफोर मिलेंगे, और मेनली ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो अन्य पदार्थ है उसमें क्या है, और संग्रहित भोज्य पदार्थ ऑयल मिलता है, ऑयल ड्रॉपलेट। इन द प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियाई रिमेन टुवर्ड वैक्यूल एंड क्रोमेटोफोर्स टुवर्ड्स पेरीफरी, अगर हम इसकी व्यवस्था की बात करें तो ये भी अरेंज रहते हैं कि जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं वह अंदर की तरफ मतलब रिक्तिका की तरफ होते हैं, जबकि जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं। ये देखें यहाँ पे, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस अंदर की तरफ रिक्तिका के पास में है, और जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो परिधि की तरफ है, बाहर की तरफ है, सेल वॉल की तरफ है। तो ये इसका अरेंजमेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप लाइन जब बनाएंगे तो केंद्र की लाइन अंदर की तरफ बनाएंगे अलग कलर से, और रिक्ति का जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी लाइन अलग कलर से बाहर की तरफ बनाएंगे। तो ये हो गई संरचना। इन प्रोटोप्लास्ट क्रोमेटोफोर्स आर वेरी स्मॉल, सर्कुलर, ओवल और इलेप्टिकल इन आउटलाइन, पायरेनॉइड्स आर एब्सेंट, क्रोमेटोफोर छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं अथवा अंडाकार हो सकते हैं या दीर्घवृत्ताकार हो सकते हैं, और इसमें पायरेनॉइड्स नहीं पाए जाते। वाउचेरिया कंटेन्स द पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, यहाँ पे वाउचेरिया के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल ए, तो मैंने कहा था ए फॉर ऑल, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एलडी का परिचय दिया था तब आपको सब कुछ बताया था। अगेन मैं बोलूँगी, अगर आप पहले वाले लेक्चर जिसमें मैंने एलगी में जनन, एलगी की संरचना, थैलस संरचना, उसका आवास, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो ये आगे वाली एलगी आपको समझ में नहीं आएगी, तो पहले कृपया वे पढ़ें। द कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन क्लोरोफिल, यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स का मतलब होता है बेटा, कैरोटीनॉइड्स में आते हैं कैरोटीन और जेंथोफिल, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड ज़्यादा पाए जाते हैं देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से कैरोटीनॉइड ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी इज़ एब्सेंट इन वाउचेरिया, क्लोरोफिल बी केवल हरी शैवाल में मिलता है, मैंने बताया था आपको क्लोरोफाइसी में मिलता है, जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है।
द रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल, इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ जो होता है वो होता है ऑयल। इट अकर्स एज कलरलेस ड्रॉपलेट इन साइटोप्लाज्म, अगर इसके कोशिका द्रव्य में ये छोटी छोटी ऑयल की बूंदों के रूप में व्यवस्थित रहता है जो कि हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इस प्रकार से आज हमने वाउचेरिया की संरचना पढ़ी है और इसका आवास पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाउचेरिया में जनन। और अगर हम इसकी बात करें कि इसमें वृद्धि की बात करें तो इसकी जो वृद्धि होती है इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यह एपिकल ग्रोथ या शीर्षस्थ वृद्धि इसमें पाई जाती है। तो मतलब जैसे जैसे आगे इसकी जो शाखाओं के शीर्ष आगे बढ़ते रहते हैं और इसकी वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन तो हो ही नहीं रहा, केवल केंद्र का विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वृद्धि नहीं, इसमें शीर्षस्थ वृद्धि पाई जाती है, एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। धन्यवाद।